Today we are going to discuss about the dual behavior of electromagnetic radiation in the structure of atom. In previous class we also discussed about the dual behavior of electron for hydrogen atom. बच्चों हम जानते हैं कि सूक्ष्म गतिशील कण के लिए ये जो है डुअल बिहेवियर किसी एटम के लिए सो होता है। हम जानते हैं कि किसी एटम का जो मिड पार्ट है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग बंद गति कक्षाएं हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। इलेक्ट्रॉन वहां पाए जाने की अधिक संभावना है जहां पर उनका एंगुलर मूवमेंट ओडी संवेग एनएच अपॉन टू पाई का कोण बना है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है जबकि इलेक्ट्रॉन इन बंद गति कक्षाओं में चक्रण करता है। तो अति सूक्ष्म मौलिक कण है ये एटम के प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। इस केस का हम स्टडी कर चुके हैं बट डिस्कस करें जब हम प्रोटोनिक एनर्जी का। सपोज दैट किसी सरफेस पर जब हम इस एनर्जी का स्टडी करते हैं सो आने वाले प्रकाश किरण पुंज का इसके साथ में कोलिजन और इसका रिफ्लेक्शन ये दोनों स्टडी कर पाते हैं। सो कोई ना कोई इसकी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी है जिस पर ये गति करता है। तो इस फोटोनिक एनर्जी के आधार पर यहाँ पर डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन को अगर एज ए इक्वेशन शो करें अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऊर्जा के आधार पर बाय द बेसिस ऑफ एनर्जी ऊर्जा के आधार पर बाय द बेसिस ऑफ एनर्जी देन एक इक्वेशन क्रिएट होती है और इस इक्वेशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E प्लस टू एच न्यू से जहां E एनर्जी है H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू पर फ्रीक्वेंसी या इसको लिख सकते हैं न्यू प्लस टू सी अपॉन लैम्डा एंड या इसे एनर्जी स्टैंडर्ड पर शो कर सकते हैं E प्लस टू एन एच सी बाय लैम्डा। तो बच्चों ये हमें यहाँ से इनका एक डुअल बिहेवियर प्रदर्शित करने वाला एक इक्वेशन प्राप्त होता है जहाँ E एनर्जी है ऊर्जा है और H प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक नियतांक कहते हैं इसे जबकि C प्रकाश की चाल है वेव ऑफ लाइट एंड लैम्डा इक्वल्स टू तरंग। और यहां पर एम और बच्चों यहां पर एम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एम इक्वल्स टू फोटॉन की संख्या फोटॉन की संख्या मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इक्वल्स टू एनर्जी एंड एच इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट वेव ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से इस इक्वेशन को सिमराइज करें। और बच्चों जब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ
डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, तो ये दो तरह का हमें यहाँ इनका बिहेवियर शो होता है, लाइक एज अ वेव एंड लाइक एज अ पार्टिकल। और इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। अगर यहाँ मोमेंट्स दिखाएं इन मेन ग्रेन्स या स्ट्रगल ग्रेन्स की मॉलिक्यूलों की, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो एक वेव की तरह प्रदर्शित होता है, लाइक एज अ वेव। मीन्स नेचर ऑफ पार्टिकल लाइक एज अ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइक एज अ वेव, तरंग की भांति प्रकृति प्रदर्शित, तरंग की भांति। और दूसरे केस में जब डिस्कस करें तो इस मंदवृत्ति कक्षा में इसके चक्रण से इसकी पोजीशन चेंज होती है और ये अपना इस तरह से पोजीशन बदलता है। अगर हम केवल के आर्बिटल के टू इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं तो उसके मोशन से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से लाइक एज ए पार्टिकल। तो कह सकते हैं नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव या माइक्रो पार्टिकल ले सकते हैं हम, और नेचर ऑफ पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, ऐसे कह सकते। तो एक तो है कि पार्टिकल जैसा और दूसरा है लाइक एज अ वेव जैसा, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कण की। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी इनका जो बिहेवियर है वो इस तरह का ड्यूअल नेचर शो करता है, और इस बिहेवियर के आधार पर भी लाइक एज अ वेव एंड लाइक एज अ पार्टिकल शो करता है। सो बच्चों, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट्स में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो एक इक्वेशन रिलेशन है इसके माध्यम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो एज एम बी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एच यू माइनस एच यू नॉट इक्वल्स टू एच सी इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा, और आल्सो राइट डाउन एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस एम बी स्क्वायर बाई टू और डब्ल्यू नॉट प्लस एम न्यू अपॉन टू। तो इस तरह से भी इस इक्वेशन रिलेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां एम क्या है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है केजी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी, एंड बी सबस्ट्रक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेट है, वेट ऑफ सबस्ट्रक्टेड या एक्सक्रीटेड इलेक्ट्रॉन आर एक्सक्रीटेड इलेक्ट्रॉन, एंड लैम्डा न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जबकि न्यू नॉट इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी से रिलेटेड पार्ट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम लोग कोलिजन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो एटम्स में कैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर कोलिजन्स होते हैं उनमें से रिलेटेड टर्म आपको मिलेगा डेली फ्रीक्वेंसी, और वो रिलेटेड होगा एनर्जी से। देन एच इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, और इस तरह से हम किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि फोटोट्रॉपिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की का स्टडी कर रहा हो
उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस इक्वेशन के टू स्पेशल वैल्यू, फर्स्ट फॉर सी, सी मीन्स प्रकाश का वेग, वेव ऑफ लाइट, और ये इवेल्युएशन करते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू सी के लिए है बच्चों, याद रखें। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है देन आपको ये वैल्यू पुट अप करके से कैलकुलेट करना होगा। एच फॉर प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट के लिए वैल्यू है 6.6×10⁻¹⁴ जूल। इस तरह से ये टू वैल्यूज हैं जो आपके लिए फिक्स हैं, और कभी क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है इनका यूज करें। सो अब बच्चों इस फ्रीक्वेंसी बेस्ड इक्वेशन से कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम लैम्डा रेडियन। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। देन यू नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1×10⁻¹⁰ m। ये इवेल्युएट कर लिया हमने एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। अब क्वेश्चन मिलेगा ऊर्जा ज्ञात कीजिए, एनर्जी इक्वल्स टू फाइंड आउट कर लिया हाउ मच। और फार्मूला अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा, इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ई एनर्जी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग है, और लैम्डा इसकी तरंग दैर्ध्य है। वैल्यू देख लेते हैं, एच नहीं गिवन है इसमें, तो जो वैल्यू अभी हम लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट के लिए लिखा था उसी को यहाँ पर पुट अप करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वैल्यूज अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है देन हम इनका यूज करेंगे। सो ये वैल्यू होगी 6.6×10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, और सी के लिए वैल्यू होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि लैम्डा का वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर लिया है एंगस्ट्रॉम में, और ये वैल्यू है 1×10⁻¹⁰ m। तो अब ई कैलकुलेट करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर ले और इसको कैलकुलेट कर। सो ई प्लस टू एच का वैल्यू है 6.6×10⁻¹⁴ सी का इवेल्युएशन किया है 3×10⁸ अपॉन लैम्डा को चेंज किया है 1×10⁻¹⁰ और इसे कैलकुलेट करेंगे देन ई का इवेल्युएशन हो जाएगा 1.98×10⁻¹⁰ जूल। और ये इस क्वेश्चन के लिए ऊर्जा मीन्स ई का वैल्यू हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक विकिरण की ऊर्जा 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। द एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और रिलेटेड है एनर्जी इक्वेशन से। बच्चों सबसे पहले यूनिट का डिस्कशन कर लें, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, और इसी तरह से न्यू यूनिट है इसकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV, और ये एटॉमिक मास यूनिट पर रिलेटेड है। तो यहाँ पर एज ए नोट्स इनको लिख देता हूँ, 1 AMU इक्वल्स टू 931 MeV। ये एक वैल्यू है जिसे आप लर्न कर सकते हैं, और ये AMU फॉर है एटॉमिक मास यूनिट, और जबकि ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV, लिखते हैं इसे
मींस एक एमयू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन गोल्ड होते हैं। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग चेंज करेंगे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी है इसको, बिकॉज वी नो दैट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये वैल्यू चेंज करेंगे इसके लिए 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स ई के, सो इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 इंटू कर लेंगे इसमें 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये चेंज किया हमने ई का वैल्यू बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था। अब यहां से एच का वैल्यू लिख लेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और प्रकाश का वेग यानी सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो 3 इवेल्युएशन वैल्यूज हो गए जो कि हमें यहां पर यूज करना है। अब हम इसके लिए फार्मूला पढ़ चुके, इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके, और इक्वेशन है इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। बच्चों यहां जो वैल्यू मैंने दी है एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट में, ये वैल्यू वास्तव में बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है, और बाइंडिंग एनर्जी का जो टर्म है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर डायग्राम ले तो समझ पाएंगे कि क्या है बाइंडिंग एनर्जी। बिकॉज हम जानते हैं कि किसी एटम का जो मिड पार्ट है वो उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से सराउंडिंग में बंद वृत्तीय कक्षाएं हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस रहती है। तो अगर हम केवल न्यूक्लियस का स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है। कॉमनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, मीन्स पी प्लस एन इक्वल्स टू नोन एज न्यूक्लियॉन्स, यानी इन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग ना कह करके न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। तो अगर इन न्यूक्लियॉन्स को यहां से सबस्ट्रेट कराना हो, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को किसी एटम के न्यूक्लियस से पृथक करना हो, तो जितनी एनर्जी इनको पृथक करने के लिए सबस्ट्रेट कराने के लिए रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को नॉमिनेट करते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और सिंबलाइज करते हैं इसे बी से, कैपिटल बी से। जबकि अगर जिस भी एटम के लिए ले रहे हैं वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक न्यूक्लियॉन्स के लिए ये कंडीशन फॉलो करते हैं तब इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बच्चों इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इसको सिंबलाइज करते हैं बी बार से। सो बी बार इक्वल्स टू बी अपॉन पी प्लस एन, कुछ इस तरह का केस बाइंडिंग एनर्जी के लिए यूज करते हैं, तब जरूरत पड़ती है हमें इसको चेंज करने की, जहां मैंने लिखा है 1 एएमयू इक्वल्स टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी ये चेंज करने के लिए सिंबल्स। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ई तो आपको गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, मींस लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लैम्डा के लिए फार्मूला होगा लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। इस फार्मूले से इवेल्युएट करें हम, वैल्यू पुट अप करें, जरा प्लैंक कांस्टेंट एच का वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और C का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये तो दो वैल्यूज हो गए, प्लैंक कांस्टेंट का और प्रकाश के वेग का, मीन्स H और C का। अपॉन E का वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर लिया है जूल में, और ये वैल्यूएशन किया है 10 टू द पावर 7 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर
माइनस 19, और ये दोनों वैल्यू आपके लिए एनर्जी के लिए होंगे। और इस तरह से बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा का इवैल्यूएशन होगा 1.24 × 10⁻³⁹ पर मीटर, और ये इस क्वेश्चन के लिए लैम्डा का इवैल्यूएशन होगा। कह रहा था विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, सो लैम्डा का वैल्यू। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस फार्मूले से या इस रिलेटिव फार्मूले से इक्वल्स टू एक्सी अपॉन लैम्डा या लैम्डा इक्वल्स टू एक्सी अपॉन ई से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग है, ई एनर्जी, और मैंने बाइंडिंग एनर्जी के लिए फार्मूला जो दिया है वो आपकी जानकारी के लिए है रिलेटेड पार्ट से एटम का, बट उसको ज़्यादा नहीं यहाँ डिस्कस करूँगा बिकॉज वो आपके सिलेबस से बाहर आ चुकी है। बट जनरली आप दो पॉइंट्स यहाँ समझ लें कि जो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला यूज करते हैं वो है बी प्लस टू मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस और माइनस डेल्टा एम, डेल्टा एम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये फार्मूला यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए, और जबकि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा बी बार इक्वल्स टू बी अपॉन पी प्लस एम। ये बच्चों आगे आपकी क्लासेस में जब आप और आगे क्लासेस में केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे, देन यहाँ इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में से रिलेटेड पार्ट है जिनके कैलकुलेशंस हैं और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डेल्टा एम है मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति है, कितना लॉस हुआ उसमें उसके एक्चुअल मास में, और जो ग्रेन्स लिए हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है उसे कैलकुलेट करके दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं जिससे मास डिफेक्ट का पता चलता है। सो डेल्टा एम, देन मास ऑफ न्यूक्लियस यानी जो एटम दिया गया है आपको क्वेश्चन में उसका रियल न्यूक्लियस मास कितना है वो, और दोनों का डिफरेंशियल करके हम बॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, और जब पर न्यूक्लियन निकालते हैं तो पी प्लस एम मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियन जितने भी न्यूक्लियस में हैं उसमें से बाइंडिंग एनर्जी का डिवाइड करें। इस तरह से बच्चों ये कुछ स्पेशल फार्मूले थे आज की क्लास के, जिनको आप रन कर लें और इनसे रिलेटेड कंडीशन से इनकी प्रैक्टिस करें।